बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू द फर्स्ट लेक्चर, और सेम चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, चैप्टर नंबर 1, नंबर्स। नंबर्स में जो हमने डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स की रिप्लेसमेंट प्लेस ऑर्डर जनरलाइज किए थे, उससे मुतालिक डील करेंगे। आज हम 8 डिजिट नंबर्स को किस तरह से प्लेस वैल्यू में लिखा जाता है और प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे जनरलाइज किए जाते हैं चार्ट को। एज यू नो, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके प्रैक्टिस पर बेस करती हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द ही ये तमाम इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। आवर टॉपिक ऑब्जेक्टिव इज कि आज हमारे जो जनरल टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें 8 डिजिट्स नंबर्स इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में कैसे हमने लोकेट करना है। जैसे कि पहले हमने पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में जनरलाइज किया था, और उस सिलसिले में इलस्ट्रेशन, एग्जांपल्स और उसके सॉल्यूशंस को जो है अंडर ऑब्जर्वेशन में लाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा डिजिट सब कुछ बढ़ गए हैं। पहले हमने 5 डिजिट्स के किए थे, फिर उसके बाद 7 डिजिट्स के, और आज 8 डिजिट्स के नंबर्स को जो है जनरलाइज कर रहे हैं, और उसको स्पेशली इंटरनेशनल पीरियड्स में हमने डिस्कस करना है। As usual, the place value of 8 digit numbers show the value of the range. इसकी रेंज ये है 7, 0 और 1, यानी 7 और 1 मिला के 8 digits बन जाएंगे। The smallest 8 digit number 1 or 7, 0, while the greatest 8 digit number is 9, 8. ये इसके इनमें बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है, ये हमने जनरलाइज करना है। सिमिलरली अब इलस्ट्रेशन के लिए, इसकी फर्दर इम्पोर्टेंस के लिए, कि ये 8 डिजिट्स जो हैं हमारे पास, इन 8 डिजिट्स में 0, 1, 3, 6, 4, 2, 5, 1, ये नंबर्स, इनकी प्लेस जो वैल्यू है उसको जनरलाइज करना है, और इनके दरमियान कॉमा कहाँ पर यूज़ करना है। ये फर्स्ट 3 के बाद कॉमा, फिर इसके बाद 3 के बाद कॉमा, इंटरनेशनल पीरियड में। मगर पाकिस्तानी में हम क्या करते थे कि 3 राइट से 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, वहाँ पर 2-2 डिजिट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन में लाते थे आफ्टर 3 के बाद। अब इन्हें लिखा कैसे जाएगा फिगर फॉर्म में, 15 कॉमा और कॉमा और इसके बाद ये, और इनवर्स में जब रीड करेंगे 15,246,310। तो इसके पढ़ने के लिए, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का तरीका, और इसके नंबर के फॉर्म में प्रॉपरली एक नंबर को कॉमा के ज़रिए इंडिकेट करने का जो तरीका है, ये दो इलस्ट्रेशन जो है इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है यहाँ से। सिमिलरली अब इनमें एक्चुअल इन वैल्यूज़ का, फॉर एग्जांपल हमने एक वैल्यू सिलेक्ट किया 15,246,310 को इंटरनेशनल पीरियड में, इनकी प्लेस जो है उनकी वैल्यू क्या है। पहले प्लेस जीरो, यहाँ पर पहला प्लेस इस जगह से ये 1 पर, ये 10 मिलियन है, 5 जो है 5 मिलियन पर, और 200,000 पर है, और 40,600,300 और 10 और 0 जो है 1 प्लेस पर है, 0 एज इट इज 0, जस्ट लाइक द प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो हमने पीछे ये 7 डिजिट में और 5 डिजिट में जनरलाइज किया था। इनकी प्लेस वैल्यू, ये 1 की प्लेस वैल्यू 10 मिलियन, और यहाँ पर 5 की जो है 5 मिलियन, यहाँ पर 2 की जो है प्लेस वैल्यू 200,000, और 4 की जो है यहाँ पर एज यूजुअल 40,000, और 6 की जो है 6,000, लाइक दिस।
all in the light of this example, by using this number, we can understand okay, where is the face value of eight digits of this number, or how to read all these numbers clearly. अब इसमें जितने भी नंबर हैं इनको कैसे हमने पढ़ना है. तो इट मीन्स कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में एट डिजिट्स प्लेस वैल्यू के लिए ये इन्फॉर्मेशन है. अब इनके लिए कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल कि एक एग्जांपल है जिसमें हमने प्लेस वैल्यू अंडरलाइन डिजिट्स की वैल्यू लिखनी है. तो इस नंबर में 9 जो है वो 1000 प्लेस पर है. और इस तरह से दूसरा एग्जांपल ये है प्लेस वैल्यू में ये 4 जो है 400,000 पर है. तो इस तरह से रिमेनिंग जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये अंडरलाइन डिजिट्स हैं. समटाइम्स इसको बाज दफ़ा सर्कल डिजिट्स के तौर पर भी कहते हैं, बोल्ड डिजिट भी कहते हैं, और बाज दफ़ा जो है इसको कलर डिजिट्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है. तो ये जिन डिजिट की वैल्यू पूछ रहा है, जिनकी फेस वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, तो उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उनको हम जीरो पर यूज़ करेंगे. तो लिहाजा उसके बाद जीरो यूज़ करेंगे. तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है क्लियरली. तो इस तरह से ये 5 एग्जाम क्वेश्चन जो दिए हैं, सम्स जो दिए गए हैं प्रैक्टिस के तौर पर, इसे अगर आप कर लें तो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर कैसे उसको पढ़ा जाता है और लिखा जाता है. सिमिलरली अब हम एक और क्वेश्चन की शक्ल में इसी सेम अपने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू को, इंटरनेशनल पीरियड्स के वैल्यू को अगर लें और इसको एक्सपेंड करें, तो लाइक दिस, जैसे अभी हमने प्लेस वैल्यू को रिप्लेस करना है, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 के बाद यहाँ पर हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, तो 7 डिजिट्स की जगह पर 70, और 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 660. इस तरह से यहाँ पर 1 के बाद ये डिजिट्स हैं. ये तमाम चीज़ें अकॉर्डिंगली हर प्लेस की वैल्यू के साथ साथ उसके सामने अगर कोई डिजिट है तो उतने जीरो हम यूज़ करेंगे. तो बाय यूजिंग दिस एग्जांपल यू कैन आल्सो मैनेज. अब चूंकि नंबर बढ़ गए हैं, नंबर की तादाद ज़्यादा हो गई है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके प्रीवियस क्लास से के मैथ से जो है ये मिलता है, तो उसे जहन में रखते हुए करना है. सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब आपने जैसे एक सिंपल नंबर है विदाउट कॉमा, इसको आपने इंटरनेशनल पीरियड में इंडिकेट करना है. यहाँ पर इंडिकेट करने के तरीका है कि इसमें हमने कॉमा यूज़ कर लेना है, तो ये इंटरनेशनल पीरियड में आ जाएगा. इस तरह से ये 5 एग्जांपल एक के तौर पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं. और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 8 डिजिट्स हैं टोटल. 8 डिजिट्स गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 8 डिजिट्स हैं. अब हमने इसको इनमें कॉमा यूज़ करके इसे इंटरनेशनल पीरियड में इंडिकेट करना है. सिमिलरली अब इन्हीं तमाम इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हमें कोई दिया गया है नंबर, और नंबर के फॉर्म में लिखना है, फिगर में लिखना है, एक स्टेटमेंट दिया गया है इंटरनेशनल पीरियड में, तो उसको अगर हमें लिखना है फिगर में, जैसे 20,346,507. तो 20 million 20 और इसके बाद कॉमा, 346 इसके बाद कॉमा, और 500 और इसके बाद 7, इसके ये इस तरह से तीन तीन डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे. इस तरह ये है 78,200,239. तो इस तरह से 78 million के बाद कॉमा, और 200,000 टू के बाद 00, 200,039. इस तरह से 7,669,000 को हमने फिगर में लिखना है, नंबर में लिखना है, बाय यूजिंग प्रॉपरली कॉमा.
in international period. 10 million is the 10,641,403. It 18,638. तो ये तमाम नंबर्स के फॉर्म में इन्हें फिगर में और इनके साथ कॉमा यूज़ करते हुए हमने लिखना है। अब ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल राइट इन फिगर ऑफ नम और नंबर्स फॉर्म में तो 75,040,621 लाइक दिस। तो वी कैन यूज दिस स्टेटमेंट्स टू राइट इन नंबर फॉर्म और सो बाय यूजिंग प्रॉपरली कॉमा इन इंटरनेशनल पीरियड्स ऑफ 8 digit नंबर्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल जनरल यूज कर लेते हैं इसमें कि सक्सेसर नंबर को बढ़ाना है, हमने सक्सेस करना है। तो इसमें क्या है कि इसके यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर ये जितने भी हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन रखे हैं या 5 जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो इनमें यूनिट प्लेस पर हमने 1-1 को ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो कुछ कैरी होगा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। राइट द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, ये एक नंबर दिया गया है इंटरनेशनल पीरियड में 8 digit नंबर्स, तो हमने इस सक्सेसर की यूनिट प्लेस पर 9 की जगह पर 1 ऐड कर दिया यहाँ पर 9 के साथ, तो 1-0 दिस बिकम 0 और ये भी इसके बाद 1 कैरी, फिर अगेन 1 कैरी, 1 कैरी एंड दिस 3 बिकम्स 4, तो लिहाजा ये 3-4 बन जाएगा। तो इन द लाइट ऑफ ऑल दीज इंफॉर्मेशन लेट एक और अरेंजमेंट हम देख लेते हैं कि बाज़ दफ़ा नंबरों को एक ख़ास तरतीब में लिखा जाता है, बाज़ दफ़ा एक सेट नंबर का दिया है, जैसे यहाँ पर हमने 4 नंबर ले लिए हैं और इन 4 नंबरों का एक सेट है, इन नंबरों में इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। टू राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर पहले लिखेंगे जो इनमें छोटा है नंबर और जो बड़ा है नंबर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्मॉलर नंबर के लिए शर्त यह है कि आप यहाँ पर चेक कर लें कि इसके जो है शुरू के यहाँ से 5 digits जो हैं ये दीज आर सेम, 76987 76987 76987, लास्ट आखिर वाले डिजिट जो हैं वो डिफर कर रहे हैं, वो डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, 504 302 403 104। अब इनमें से हमने क्या करना, जो सबसे छोटा है उसे पहले लिखना है और फिर उसके बाद जो इनमें सबसे छोटा है वो पहले लिखेंगे और फिर उसको जो है उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो लिहाजा असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखना होता है 3, 4, 5 और 9, जैसे ये नंबर एक है फॉर एग्जांपल, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, और इस तरह से अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये एक नंबर का पैकेज है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे फर्स्ट ये नंबर सेम है, यहाँ पर डिसेंड हो रहा है, नंबर पहले जो है बड़ा है 900, फिर इसके बाद 500, फिर इसके बाद 400 और इसके बाद 300, नंबर्स ग्रेजुअली फॉल डाउन होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। यहाँ पर जो है नंबर इंक्रीज हो रहा है 300 400 500 और फिर 900, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा नंबर जो होगा उससे छोटे की तरफ। तो दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो वी हैव टू फॉलो इन 8 digit नंबर्स और व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू देन यू हैव टू मैनेज लाइक ऑल दिस इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। सिमिलरली प्रैक्टिस एग्जांपल के तौर पर हमने 5 एग्जांपल एग्जाम्पलरी क्वेश्चन रखे हैं, 5 इनमें इन नंबरों को हमने असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी अरेंज करना है। आई होप कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन और फर्दर, इन्हीं नंबर सिस्टम में हमें बाज़ दफ़ा नंबरों को कंपेयर करना होता है कि इनमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, ये मैंने इंडिकेट भी कर दिया है कि इक्वल टू और दिस शोज़ ग्रेटर देन, दिस सिंबल शोज़ लेस देन,
तो अपने हमने इन दोनों के दरमियान कंपेयर करना है और इंडिकेट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा इक्वल है, बराबर है, और कौन सा नंबर इसमें छोटा है। अब ये एक पेपर आपको बना के दिए गए हैं, इनमें वो तमाम 8 डिजिट नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी पीरियड, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल पीरियड और दिए गए हैं। तो लिहाजा आपने इन तमाम क्वेश्चंस को जो है अंडर योर पेरेंट्स सुपरविजन यू कैन डू प्रैक्टिस और आल्सो यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। सो डू प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर दिस सो दैट यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ 8 डिजिट नंबर्स इन पाकिस्तानी पीरियड एज वेल एज इन इंटरनेशनल पीरियड्स। सो आई होप यू हैव थॉरो नॉलेज, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ टर्म्स और इंफॉर्मेशंस प्रॉपरली। इफ यू फॉलो ऑल दिस इंफॉर्मेशन देन यू कैन डू योर एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक क्लियरली। आई होप I think you are able to, now you are able to solve these questions clearly. Thank you very much. Allah Hafiz.